गाइस वेलकम बैक माय चैनल एंड मैं हूँ अलीशा एंड आज मैं अपने संग शेयर कर रही हूँ रूप मंत्रा फेस वॉश के ऊपर रिव्यू। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि रूप मंत्रा फेस वॉश के ऊपर रिव्यू कैसा ये अपने क्लेम पे रहता है या नहीं, इनके क्या क्या क्लेम्स है, क्या करता है, तो ये सारी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना एंड जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू आए हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो लेट्स गो। इसकी पैकेजिंग ये है रूप मंत्रा लीम एंड मिंट आयुर्वेदिक मेडिकिनल फेस वॉश। इसकी बहुत सारी वेरिएंट आती है, जैसे कि इसकी बहुत सारी लेमन होती है, नीम होती है, तुलसी होती है एंड मिक्स फ्रूट भी होता है। इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं बट मेरे पास है ये लेमन का अभी। तो चलिए मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि ये फेस वॉश कैसा है। तो जैसे कि इसकी पूरी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कैसे इसको यूज़ करना है, इसमें क्या क्या डाला हुआ है, यानी कि कौन कौन सी इंग्रेडिएंट किसकी यूज़ की गई है एंड इसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी आपको डिटेल मिल जाएगी बैक साइड पे इसकी। अगर इसकी क्वांटिटी की बात की जाती है तो इसकी क्वांटिटी है 115 ml की क्वांटिटी एंड इसकी प्राइस है 83 rupees। या मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल रही है। एंड अगर इसकी क्लेम की बात की जाती है तो इस फेस वॉश की ये क्लेम है कि ये आपके फेस के जो ड्राइनेस है, रफनेस है, उसको एकदम ही रिमूव कर देगा एंड कंट्रोल स्किन क्रैकिंग। तो जैसे कि मैंने इसको यूज़ किया है एंड 1 week या 2 weeks आप बोल सकते हो मैंने इसे यूज़ किया है एंड मुझे ऐसा कोई भी फ़र्क या कोई भी डिफरेंस अपने फेस में ऐसा मुझे नहीं दिखा कि मेरे फेस के रिमूव किया है मेरे ड्राइनेस को, क्योंकि आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ ऑयली स्किन। तो मुझे ऐसे एक ड्राइनेस वगैरह मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे ड्राइनेस को या रफनेस को मतलब कि रिमूव किया है। एंड अगर इसकी बात की जाती है कि ये फेस वॉश आपके फेस को क्लीन करता है या नहीं, तो आप जब फेस वॉश करते हो कोई भी फेस वॉश, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर लगता है कि हाँ फेस को क्लीन किया है, बट आप जैसे ही 1 hour होने के बाद आप देखोगे फेस अच्छी तरीके से क्लीन नहीं लगता है कोई भी फेस वॉश। बट अलग अलग सबकी क्वान्टिटी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो अगर मैं इसको बताऊँ तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 1-2 hours के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके फेस वॉश में क्लीन अप नहीं हुई है अच्छी तरीके से, ऐसा मुझे लगता है तो मेरे अकॉर्डिंग। एंड अगर इसकी बात की जाती है, ये लेमन जो है हमारे एक्ने एंड पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये पिंपल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई करने में बहुत ही हेल्प करता है लेमन, बट मेरे पिंपल्स को ऐसा नहीं हुआ। मेरे जब मैंने इसे यूज़ किया था तो मेरे फेस में ये एक्ने पिंपल्स थी, तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि ये मेरे लेमन ये जो है मैंने यूज़ करने के बाद मेरे जो एक्ने पिंपल्स है उनको कंट्रोल हुआ या फिर मेरे ड्राई हो गए एक्ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जैसे कि इसने ऐसे क्लेम भी नहीं किया, बस इसने क्लेम किया है कि ये स्किन से ड्राइनेस रिमूव कर देगा, स्किन जो क्रैकी हो जाती है यानी कि फट जाती है स्किन, ऐसे होते हैं ड्राई हो जाती है, तो वो मतलब कि आपको रिमूव या कंट्रोल करेगा। तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा गाइस, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं इसकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बस मैं इसमें जो मुझे अच्छा लगा जो मुझे ख़राब लगा वो मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, इसके छोटे वाले भी पैक आते हैं शायद, आई थिंक, मुझे नहीं पता, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसकी, तो आप चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप चाहते हो इसको एक बार ट्राई करना तो आप मस्ट ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। एंड खैर मुझे तो नहीं अच्छी लगी, बट अगर आपको शायद सूट हो जाए या अच्छी लगे, एंड अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आप एक बार ज़रूरी है ट्राई कर लो, ऑयली स्किन वाले हो तो आप एक मस्ट है ट्राई कर लो, लेमन है इसमें। एंड अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो मैं उनको ज़्यादा प्रेफर या रिकमेंड नहीं करूँगी ड्राई स्किन वालों को, तो या एज ए विश। तो चलिए अब यही थी मेरी आज की वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। जो लोग मेरे चैनल पे आज न्यू आए हैं तो उसको प्लीज़ मैं बोल देती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का एंड किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो के साथ आप फिर से मिलती हूँ। सो बाय।